नाज़रीन आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। इस वक्त कश्मीर क्राउन की टीम लच्छीपुरा बी में मौजूद है, जहां पे लोगों के बहुत सारे मतालबात हैं। जैसा कि हमारा जो मुल्क है दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी भी इस 21वीं सदी में हमारा ये जो गांव है, यहां से कम 70-75 घर हैं जो रोड कनेक्टिविटी से महरूम हैं। और इस सेंचुरी में भी उन लोगों को 3-4 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। अपना जो राशन है वो अपने कंधों पर उठा के लेके जाते हैं, और साथ में अपने जो मरीज़ हैं उनको वो बेड्स पे उठा के लेके आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल भी काफ़ी दूर है, रिमोट एरिया है, और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग। और हमारी जो टीम है आज मौजूद है इनके बीच में, आज हम इनसे सुनेंगे कि इनके क्या मतालबात हैं, और हकाम तक इनके जो अपने जो इनके जो अजाले हैं वो हकाम तक ये पहुँचाएंगे, और हम इनसे डायरेक्ट मुखातिब होकर बात करेंगे। हमारे साथ गाँव के बहुत सारे, सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं कश्मीर क्राउन में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये पहली बार है कि हमें कोई यहाँ मीडिया से या किसी इस खबर रसा एजेंसी से कोई पार्टी यहाँ पहुँची हो, ये ज़िंदगी में पहली बार है जी। हमारा जो इलाका है ये बहुत फाल फलंग आदि है, हम रोड से लगभग 2-3 किलोमीटर पीछे रह रहे हैं, बसते हैं, 70 घर है हमारा। यहाँ पर एसटी पॉपुलेशन भी है, ओबीसी भी है, लेकिन आज तक हमें चलने के लिए रास्ता नहीं है। रोड तो रोड है, रास्ता भी नहीं है। हमारा प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, उसके पास एक ब्रिज बनना था जहाँ से ऊपर से नाला आ रहा है, तो बच्चों को क्रॉस करने के लिए जगह नहीं रहती है। वे 4-4, 5-5 दिन जब सैलाब आता है तो रास्ता कट जाता है, उसके लिए पुल की भी प्रॉब्लम थी। मैं इस वार्ड से मेंबर भी हूँ पंचायत में जी। लेकिन कहीं दूर तक हमने इसके लिए कहा भी, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने हमारा कोई तवज्जो नहीं दी जी। हमारी रोड का मुतालबा, हमें जमीनों यहाँ जो नाला है हमारा, इस नाले से हमें रोड ऊपर बिल्कुल ठीक ढंग से जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक हम पे कोई ध्यान नहीं दे दिया है। हम चाहते हैं कि हमें ये रोड जाना चाहिए, हमारे इस ये जो पॉपुलेशन इसके पीछे है, जहां आप खड़े हैं इसके पीछे पॉपुलेशन 70-80 घर की है, उसके ऊपर एक ज़ैर शरीफ भी है, लोग यहां से पैदल चढ़ के वहां पहुंचते हैं। ठीक, कि हमारा जो इंडिया है पावरफुल इंडिया है, मगर आज तक मैं आपकी चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप यहां आए और आपसे हमको बात करने का मौका मिला। पहली बात मैं आपको बताऊं सर, कि 1987 में ये रोड जो है हमको सैंक्शन हुआ, नूरखा से लेके लच्छीपुरा ए और बी तक, तो ये करीबन 16 किलोमीटर है, तो आज 2020 चल रहा है। तो फिर एक बार पीडीपी की जब हुकूमत आई हमारे इसमें स्टेट में, तो ऊपर पीडी ये थी, ये बीजेपी थी, बीजेपी सरकार थी, तो फिर हमारा वो क्या नाम है, अल्ताफ बुखारी साहब जो वो मिनिस्टर थे, तो वो गए, उन्होंने पीडीपी से पैसा सैंक्शन करवाए। यहाँ ओबीसी के भी लोग हैं और एसटी के भी लोग हैं। यहाँ हमारा एक मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल है जिसमें कम से कम 100-150 बच्चा पढ़ता है, साथ में एक नाला बहता है, पार भी जमीन है इधर भी जमीन है। ये नाला 1947 से पहले का है, पता नहीं कब का है नाला, मेरी 60 साल एज है, मेरे से पहले का ये। जब इसमें सैलाब आता है, बारिश आती है, वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको फिर बंद हो जाते हैं वो बच्चे। इसलिए हमारी अपील है आपसे कि आप सरकार तक हमारी इस बात को पहुंचाएं, ये रोड रास्ता भी नहीं है, रोड तो रोड होगी, रास्ता भी हमको नहीं है। फिर इधर ऊपर कोपरा टॉप बोलते हैं उसको, वहाँ एक हमारी ज्यारत है, बड़ी गर्म ज्यारत है, बड़ी अच्छी ज्यारत है। वहाँ पर्दे जो लोग जाते हैं, बकरा लेके जाते हैं, मुर्गे लेके जाते हैं, न्याज मनाते हैं, चाहे जो कुछ भी करते हैं, तो करीबन वो 7-8 किलोमीटर यहाँ से दूर है, उसके लिए भी हमको रास्ता नहीं है। रोड की जो बात, तो रोड का मसला ये है कि हम यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर ऊपर रहते हैं, तो यहाँ से हम मतलब कोई राशन हो या पेशेंट हो या कोई भी हो, तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ से हमें उठा के कंधे पे जाना पड़ता है, उसके बाद हमारा ये रोड, आप इसकी हालत।